आजकल आप देखेंगे हमारा लाइफस्टाइल काफ़ी बदला है और इस बदलते लाइफस्टाइल में अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। लेकिन हेल्थ का तो हम ध्यान रख लेते हैं, अपनी फूड हैबिट्स का ध्यान नहीं रखते हैं और अपनी डाइट के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन डाइट के साथ अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो डायरेक्टली आपकी हेल्थ के साथ भी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो इसी के ऊपर ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने सभी इंडियंस के लिए एक डाइटरी गाइडलाइन जारी की है और उसमें उन्होंने बताया है कि कौन सी डाइट हमें फॉलो करनी चाहिए और किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। सो अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपनी डाइट में ज़्यादा सॉल्ट यूज़ करते हैं, शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं या फिर प्रोटीन सप्लीमेंट्स ज़्यादा लेते हैं, तो मुझे लगता है इन अपडेट्स और इन गाइडलाइंस के बारे में जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सो इस नई डाइटरी गाइडलाइंस को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन और एपेक्स हेल्थ रिसर्च बॉडी ने मिलकर तैयार किया है। सो इस गाइडलाइन में जो टिप्स और एडवाइजेस दी गई हैं उन्हें जानकर आप शायद थोड़ा हैरान भी हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादातर उन चीज़ों के बारे में एडवाइस दी गई है जो हम आमतौर पर डेली में काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। सो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि किन चीज़ों को अवॉइड करना है और मैं आपको ये भी बताऊँगी कि इस गाइडलाइंस में कौन सी ऐसी एडवाइस दी गई है जो मोस्टली जो ओल्डर लोग हैं, जो बच्चे हैं और साथ ही जो एडल्ट्स हैं, उन लोगों के लिए बेटर फूड हैबिट्स क्या हैं। तो सबसे पहले उन चीज़ों से शुरुआत करते हैं जो आपको अवॉइड करनी है और अपने डाइट से हटा देनी है। सो सबसे पहले गाइडलाइन आई है प्रोटीन सप्लीमेंट्स को लेकर। आमतौर पे इंडिया में काफ़ी लोग ऐसे हैं आज के टाइम में जो अपनी हेल्थ को प्रॉपर रखने के लिए एक्स्ट्रा प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं, लेकिन इसके ऊपर मैं आपको बता देती हूँ कि ICMR ने स्ट्रिक्टली गाइडलाइंस दी है कि जितने भी आर्टिफिशियल या एडिशनल प्रोटीन सप्लीमेंट्स आते हैं उनका कंजप्शन कम करें या फिर उनको ना लें। सो रिसर्च में बताया गया है कि अगर आप ज़्यादा प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं तो आपकी बोन्स में से जो मिनरल्स हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, साथ ही आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा खतरा बताया गया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्हें लगता है कि वो एक्स्ट्रा प्रोटीन लेते हैं तो उनकी सेहत बनेगी, उनकी मसल बिल्डिंग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ज़्यादा प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेकर अपनी हेल्थ को और ज़्यादा बिगाड़ सकते हैं। इसके अलावा जो लोग ज़्यादा नमक खाते हैं अपनी डाइट में, एडिशनल नमक का इस्तेमाल करते हैं या ज़्यादा शुगर कंज्यूम यानी कि चीनी कंज्यूम करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी एडवाइस दी गई है कि अपने नमक और चीनी के कंजप्शन को भी कम करें, मतलब इनकी जो खपत है उसको कम करें, लिमिट में लें, जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करें। इसके अलावा आजकल ट्रेंड चला है अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स का। आप हर दूसरे दुकान में या हर दूसरे यूज़र को देखेंगे कि उसके हाथ में एक पैकेट फूड हमेशा रहता है, तो मोस्टली जो पैकेट्स में फूड आते हैं उसको अल्ट्रा प्रोसेस फूड कहते हैं, या जिन्हें केमिकल्स के साथ बनाया जाता है, प्रिजर्वेटिव्स के साथ बनाया जाता है, उनको अल्ट्रा प्रोसेस फूड कहा जाता है। जैसे नूडल्स हो गया, चिप्स हो गए या इस तरीके की तमाम कैंडीज हो गए, तो इन सब से बचना है और इन सबको कम से कम कंज्यूम करना है। साथ ही ये भी गाइडलाइन में बताया गया है कि जो भी आप फूड कंज्यूम करते हैं उसका लेबल जो है उसको ध्यान से पढ़े, उसमें देखें कि कौन कौन से न्यूट्रिशंस को मेंशन किया गया है, कितना शुगर है उसमें, कितना वीट है, कितना फ्लावर ऐड किया गया है। सारे लेबल्स को पढ़कर ही आपको उस प्रोडक्ट फूड को कंज्यूम करना चाहिए। सो गाइडलाइंस में बताया गया है कि एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन डाइट के लिए 45% जो टोटल कैलोरीज आप लेते हैं वो सीरियल्स, मिलेट्स, पल्सेस, बीन्स, मीट, इन सब से आनी चाहिए। इसके अलावा जो 15% कैलोरीज हैं वो आपके नट्स, वेजीज, फ्रूट्स, मिल्क, इनसे कंज्यूम होना चाहिए। यानी कि जितना भी आप डाइट लेते हैं वो मोस्टली नेचुरल सोर्सेज से होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ आप एक्स्ट्रा प्रोटीन सप्लीमेंट्स ना लें या इसके लिए प्रोसेस फूड का इस्तेमाल ना करें। जितने भी नेचुरल सोर्सेज होते हैं उनके थ्रू जो कैलोरीज हैं उनको इनटेक करें। और इसी के साथ गाइडलाइन में ये भी बताया गया है कि किन किन लोगों को कैसे कैसे न्यूट्रिशन लेना चाहिए। जैसे प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए बताया गया है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो मील्स लेनी चाहिए जिसमें आयरन ज़्यादा हो, साथ ही फ्रूट्स और वेजिटेबल का कंजप्शन करना चाहिए। इसके अलावा जो इन्फेंट्स और चिल्ड्रंस हैं उनके लिए गाइडलाइन में बताया गया है कि बच्चों के लिए कम से कम 6 महीने तक का ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूरी है। साथ ही बच्चों को हनी, ग्लूकोज या फिर डाइल्यूटेड जो मिल्क आता है मार्केट में उसको ना दें, तो इन सारे प्रोडक्ट्स का कंजप्शन बच्चों में कम होना चाहिए।
इसके अलावा जो एल्डर्स हैं यानी कि जो बड़े लोग हैं उन लोगों को ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, कैल्शियम ज़्यादा हो, साथ ही में रेगुलर एक्सरसाइज भी बताई गई है जिससे जो आपकी बोन डेंसिटी है वो मेंटेन रहे और आपकी बॉडी को एक प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले और आपका जो मसल मास है वो भी गेन ना हो। सो पूरी रिसर्च में ये भी बताया गया है कि इंडियंस में सबसे ज़्यादा इंसुलिन जो रिस्क है वो बढ़ रहा है, यानी कि इंसुलिन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है जो आपके मेटाबॉलिज्म को कम करता है और इसका डायरेक्ट रिलेशन है हमारी डाइट से। 56.4% डिसीजेज हैं इंडिया में जो सिर्फ अनहेल्दी डाइट्स की वजह से हो रही हैं। तो आप ये देखिए कि कितना बड़ा नंबर है जिनकी वजह से इंडियंस में ये जो डिसीजेज हैं जैसे थायराइड हो गया, शुगर हो गई, डायबिटीज़ हो गई, इन तरीके की बीमारी को बढ़ावा मिलता है। तो इसी को कम करने के लिए सजेस्ट किया जाता है कि फिज़िकल एक्टिविटीज़ करें जो आपकी हार्ट डिसीजेस को कम करता है, साथ ही हाइपरटेंशन को ख़त्म करता है और 80% जो डायबिटीज़ है उसको भी रिड्यूस करता है। तो ये वो सारे फैक्ट्स हैं जो कि डाइटरी गाइडलाइंस में बताए गए हैं और ये सभी इंडियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और इसका डायरेक्ट रिलेशन आपकी डाइट से ही होता है। तो अगर आप फिट रहना चाहते हैं, अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप इन सारे गाइडलाइंस को फॉलो करें। साथ ही आपके घर में अगर बड़े लोग हैं, बच्चे हैं तो उन सबको भी अवेयर करें और साथ ही अपना जो डाइट है उसको हमेशा मेंटेन करके रखें और सबसे स्पेशल फैक्टर कि एक्स्ट्रा प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने से बचें। तो ये जो गाइडलाइंस मैंने आपको बताई है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करने के लिए वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक भी करें और इस डाइटरी गाइडलाइन को लेकर आप क्या क्या ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं और इस तरह के अपडेटेड और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।